वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाने के वास्ते शनिवार को एक एम्बुलेंस भेजी। हालांकि पुलिस ने आज एम्बुलेंस और गोयल को यहां सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचने से पहले रोक दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दावा किया था कि वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। केजरीवाल ने 26 मई को इस आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्हें पीईटी, सिटी स्कैन और समेत कुछ अन्य चिकित्सा परीक्षण करवाने हैं। उन्होंने अपने अर्जी में दावा किया था कि जेल में उनका वजन 7 किलोग्राम घट गया और उनका कीटोन असर भी बहुत अधिक है। उनका कहना है कि यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। गोयल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने स्वास्थ्य मुद्दों का हवाला देकर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस केजरीवाल को ऐसी किसी भी अस्पताल में ले जाने के लिए थी जहां 2 से 4 घंटे के अंदर उनके सारे परीक्षण हो सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो उन्हें नौटंकी बंद करना चाहिए तथा जांच कराने के लिए उनके साथ चलना चाहिए। इससे पहले आप नेता और मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि केजरीवाल का वजन 7 किलोग्राम घट गया है और उनका कीटोन स्तर भी ऊंचा है एवं डॉक्टरों ने कहा था कि यह उनकी किडनी में समस्या या कैंसर का लक्षण हो सकता है। शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान में हिस्सा ले सके। केजरीवाल को अबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे 2 जून को अदालत में सरेंडर